भारत में मुगल शासन के दौरान कई मुगल बादशाह हुए, परंतु कुछ ही शासक अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। उनमें से एक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रहा, जो मोहम्मद शाह रंगीला या रंगीला बादशाह के नाम से मशहूर हुआ। मोहम्मद शाह का जन्म 1702 को गजनी अफगानिस्तान में हुआ था और जन्म के समय उसका नाम रोशन अख्तर रखा गया था। मोहम्मद शाह ने लगभग 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया और उसने औरंगजेब के द्वारा शुरू किए गए कट्टर इस्लामी तौर तरीकों और नियमों से लोगों को राहत भी दी। हालांकि मोहम्मद शाह की सीमा विस्तार में कोई रुचि नहीं थी। उसके दौर में मराठाओं ने दिल्ली पर हमला किया, लेकिन उसने फिर भी जंग में हिस्सा नहीं लिया और अपने नवाबों को जंग के लिए भेजते रहे। मोहम्मद शाह ने कला और संगीत को जमकर बढ़ावा दिया, लेकिन मोहम्मद शाह प्रभावहीन और आराम पसंद मुगल शासक होने के कारण आराम पसंदगी के चलते उनके नाम के साथ रंगीला शब्द जोड़ दिया गया। इसी के शासनकाल में फारस के नादिरशाह ने सादत खान की सहायता से दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया।